नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। आज 21 सितंबर है। आज का जो पहला एडिटोरियल है इसका नाम है मूड डिप्लोमेसी। इसका नाम मूड डिप्लोमेसी इसलिए है, इसको मून नहीं लेकिन मू कहा जाता है। और एनीवेज यहां पर आप देख सकते हैं साउथ कोरिया के मिस्टर मू हैं और यहां पर हैं मिस्टर किम जो नॉर्थ कोरिया के हैं। इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई कल। न्यूज़ के तौर पर हमने इस चीज़ के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको एक टाइमलाइन भी प्रोवाइड की थी। आई एम श्योर आपने वो टाइमलाइन देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो कल का जो लेक्चर है उसको देखिए, उसको सुनिए और जो टाइमलाइन आपको दी गई है या फिर जो पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड की जाती है लेक्चर की, उसको डाउनलोड करने के बाद उस टाइमलाइन को देखिएगा। क्योंकि जब तक वो टाइमलाइन आप नहीं देखेंगे, जब तक हिस्ट्री में क्या चीज़ें चल रही थी इन दोनों देशों के बीच में और आज ये कहाँ पर पहुँचे हैं, जब तक इसके ऊपर आपका एक ओवरव्यू नहीं होगा या फिर आपकी एक समझ नहीं होगी, तो फिर ये जो मीटिंग हो रही है इसकी अहमियत क्या है वो भी हम नहीं समझ पाएंगे। ना अगर आप इस पिक्चर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें तो थोड़ा बहुत, राइट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा बहुत लद्दाख टाइप दिखता है, इज़न्ट इट? जो लेह लद्दाख है तो वहाँ पर भी ऐसे पहाड़ हैं और हमें देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पर भी ऐसे छोटे लेक्स हैं। एनीवेज ये जो जगह है जहाँ पर इन दोनों की मीटिंग हुई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके कल्चरली अगर इसको देखा जाए, जो वहाँ की संस्कृति है, तो उस कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह। इसका नाम है माउंटेन पेक्तू। ये जो माउंटेन पेक्तू हैं यहाँ पर हैं कहीं पर, राइट, ये चाइना और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर पे हैं। और ये कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूँ कल्चर के कंटेक्स्ट में दोनों देशों के लिए। ये जो मू साहब हैं उनका बचपन से एक सपना था, वो चाहते थे कि वो कभी ऐसा एक दिन आए जब वो इस माउंट पेक्तू में जा सकें, वहाँ पर जा सकें। और जो नॉर्थ कोरिया हैं उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर्स हैं वो कहते हैं कि उनके जो फादर थे, ग्रैंडफादर जो किम साहब थे, तो उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। ये एक कही जाती है बात नॉर्थ कोरिया में। साउथ कोरिया के बहुत सारे लोग जो हैं हर साल या फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स ये डायरेक्टली तो यहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन चाइना के माध्यम से यहाँ पर वो हर साल जाते हैं। तो एक कल्चरल इम्पोर्टेंस है इस जगह का, आप कह सकते हैं माउंट पेक्तू का। तो अब यहाँ पर ये मीटिंग जब होती है, हमें लगता है कि ऐसे ही मीटिंग हो गई। देखिए डिप्लोमेसी, कूटनीति एक ऐसा वर्ल्ड है, एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं बहुत सोच समझ कर की जाती हैं। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। अगर हैंडशेक्स होते हैं या फिर गले लगाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द, कई बार स्पॉन्टेनियस चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वेल प्लान्ड होती हैं। उसके इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। तो जनरली अगर आप ऐसा पढ़ें, यू नो, अगर आप ऐसे ही न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ के, भाई एक जगह थी वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई, लेकिन जब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, जब देखते हैं कि उनके ये जो कोरिया हैं या फिर पूरा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये कोरियन पेनिनसुला जो हैं, तो उनके लोगों का जो रिलेशनशिप है इस माउंटेन के साथ या फिर इस जगह के साथ, तो वो क्या है वो जब हम समझ ले तब पता चलता है कि ये मीटिंग दोनों लीडर्स ने इस प्लेस को इसलिए चुना शायद ताकि दोनों देश के जो लोग हैं वे भी इस पूरे टॉपिक के साथ या फिर ये जो मुलाकातें हो रही हैं तो उसके साथ एक सहमति आए, ताकि दोनों देश के पॉलिटिकल ग्राउंड में भी जो जो राजनीति के लेवल है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हो जाए, ताकि लोग सपोर्ट करें इस पूरे कोज को, ताकि ये पूरा जो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या फिर पूरा कोरियन पेनिनसुला है उसमें से न्यूक्लियर्स चले जाएं और दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो जाए। अब इन दोनों देशों से बहुत सारी चीज़ें हम भी सीख सकते हैं। हम जियोग्राफी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारी जो दुश्मनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, समथिंग सिमिलर इन दोनों देशों के बीच में भी है। लेकिन आज देखिए दोनों देश के जो नेता हैं, दोनों देश के जो लोग हैं, वो सारी चीज़ें भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या सेम चीज़ भारत भी नहीं कर सकता? क्या ये आपका एक जनरल स्टडीज़ का एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि दुनिया के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया मीटिंग्स कर रहे हैं और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ भारत भी पाकिस्तान के साथ कर सकता है? एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। हो सके तो आपके जो विचार हैं वो भी आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो ये जगह है, आप देखिए यहाँ पर ये कोरियन पेनिनसुला है। नॉर्थ कोरिया जो है अपनी बॉर्डर, सबसे ज़्यादा बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है और चाइना उसका एक पार्टनर भी है इन टर्म्स
ऑफ ट्रेड एंड अदर थिंग्स, और रशिया के साथ भी एक छोटी सी बॉर्डर अपनी शेयर करता है. अब यहाँ पर एक लंबे टाइम से हमने देखा कि न्यूक्लियर का थ्रेट रहा है, और न्यूक्लियर का थ्रेट इसलिए भी रहा है कि देखिए किसी भी देश को अगर अमेरिका के साथ या फिर कोई भी आपसे कोई स्ट्रॉन्ग देश है या फिर किसी भी पार्टी के साथ आप नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, खास करके इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, तो अगर आप ऐसे ही यूएसए के पास जाएंगे, जस्ट इमेजिन कीजिए कि नॉर्थ कोरिया यूएसए के पास ऐसे ही चला जाए, तो क्या यूएसए उनकी बात सुनेगा? नॉट एट ऑल. लेकिन जब ये मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उनका जो वजन है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ जो अब वो बात कहेंगे तो पूरी दुनिया सुनेगी. तो एक तरीका ये भी है, एक स्ट्रेटेजी है, शायद इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो की है. यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई एक लंबे टाइम से मिसाइल्स बनाई, सारी चीज़ें की, अब वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए हैं कि अब यूएसए उनके साथ डिस्कस करने के लिए तैयार है. वरना तो आप इराक का एग्जांपल देख लीजिए, सद्दाम हुसैन का, उनके पास ये कहा जाता है कि शायद अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते तो फिर अमेरिका उनके ऊपर ऐसा अटैक नहीं कर पाता. तो ये एक डिटेरेंस के तौर पर भी काम करता है एनीवेज. लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों देशों के जो नेता हैं उनके बीच में बार बार मुलाकातें हो रही हैं. ये कुछ 50 तो नहीं लेकिन 70 ईयर्स टाइम हो गया, 53 में इन दोनों के बीच में एक आर्मिस्टाइस हुआ था, यानी कि ऑफिशियली तो युद्ध बंद नहीं हुआ लेकिन गोलीबारी बंद की गई. तो ये हुआ 1953 में, और तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में ज़बरदस्त एक तनाव देखने को मिलता है. अब साउथ कोरिया कैसा देश है जिन्होंने सारी चीज़ें छोड़कर डेवलपमेंट का रास्ता अपनाया और डेमोक्रेसी की तरफ वो आगे बढ़ा. साउथ कोरिया के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जापान और यूएसए से सारी चीज़ें साउथ कोरिया ने सीखी, लेकिन आज गरीबी को हटाने के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में साउथ कोरिया जो है कहीं ना कहीं जापान और यूएसए को भी पीछे छोड़ता जा रहा है. इट्स अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, राइट? बहुत ही कम टाइम में अगर किसी देश ने तरक्की की हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है साउथ कोरिया का. रही बात नॉर्थ कोरिया की, तो ट्रबल मीन्स यहाँ पर डिक्टेटरशिप रही है, तानाशाह रहे हैं, तो फिर उस प्रकार की यहाँ पर एक सोच आपको देखने को मिलती है. लंबे टाइम से यू नो हीरोइक चीज़ें, जो भी तानाशाह जो भी होते हैं तो उनके साथ ये नेशनलिज्म के भाई देश के लिए कुछ भी कर जाइए एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है. एक मिथ भी कैरी होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स और यू नो पूरी एक इमेज क्रिएट की जाती है. तो इस प्रकार का था, और एक लंबे टाइम से यूएसए के साथ, पहले यूएसए के साथ अच्छी बनती थी, इन द सेंस के एक ऐसा टाइम आया कोरियन वॉर, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हुई तब धीरे धीरे दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करने लगे, ये सारी चीज़ें हुई. एक लंबे टाइम से यूएसएसआर का सपोर्ट था इसको, नॉर्थ कोरिया का तो, और साउथ कोरिया को यूएसए का. तो फिर कोल्ड वॉर के टाइम पर ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक टाइम आया जब दोनों देश एक दूसरे के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे थे, यू नो एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑल राइट. उसके बाद अचानक ही नॉर्थ कोरिया ने यू टर्न ले लिया, और बाद में ये जो NPT थी उसमें से भी निकल गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और तब से इनके रिलेशनशिप जो हैं यूएसए और नॉर्थ कोरिया के वो ख़राब हो गए, और नॉर्थ कोरिया जो हैं वो वेपन्स की ओर आगे बढ़ने लगा, और फिर इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए. अब ऐसी सिचुएशन आई कि वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी, यू नो, जो कोई तो हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जो मिस्टर किम को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं अब उनके ऊपर भी इतना प्रेशर बढ़ गया कि उनको भी बड़े बड़े नुकसान होने लगे. तो बाद में साइमल्टेनियसली वेपन्स बन रहे थे, तो फिर अब एक ऐसा टाइम आया जब इंटरनल प्रेशर भी बढ़ रहा था, तो फिर सोचा गया कि भाई अब दुनिया के लिए, यू नो, दुनिया के साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए, ये टकरार से कोई चीज़ नहीं मिला. और रियलिटी भी यही है कि ये सारे जो झगड़े वगड़े सारी चीज़ें हैं वो उनसे नॉर्थ कोरिया के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो अब एक ये जो विजिट थी मिस्टर मून की, अब बहुत सारी बैकग्राउंड की चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये जो विजिट थी, इस विजिट में दो वो मुख्य लक्ष्य लेकर गए थे. एक लक्ष्य ये था कि यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में जो चर्चा हो रही थी तो उसको और कंटिन्यू किया जाए, इसको रिवाइव किया जाए. बीच में थोड़े अप डाउन देखने को मिले थे, एक दूसरे के खिलाफ थोड़े नेगेटिव स्टेटमेंट्स आए थे. मैं बात कर रहा हूँ ये 12 जून को जो मीटिंग हुई थी सिंगापुर में, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं. तो उसके बाद थोड़ी बहुत यू नो गर्मी देखने को मिली थी, गर्मी इन द सेंस थोड़ा तीखापन यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में.
और ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना था. दूसरा जो मेन लक्ष्य था वो ये था कि भाई दोनों देशों के बीच में जो एक वॉर्म्थ है वो मेंटेन रहे, तो ये दो लक्ष्य लेकर गए थे. मिस्टर मून के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही सुलझे हुए डिप्लोमेट है, ऐसा कहा जाता है. ये भी माना जाता है, ये भी कहा जाता है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कि ये जो नॉर्थ कोरिया अब टेबल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं यू नो इट इज़ मिस्टर मू बिहाइंड दिस थिंग. यूएसए को कन्विंस किया है तो उसमें भी मिस्टर मू का हाथ है, ऐसा कहा जाता है इस डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, कूटनीतिक जगत में. और नॉर्थ कोरिया जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया इस चीज़ के ऊपर राजी हो गया है कि एक तोनचैंग नाम की जगह है, तोनचैंग री, जहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग साइट है नॉर्थ कोरिया की, तो उसको शट डाउन करने के लिए, उसको बंद करने के लिए वो एग्री हो चुका है. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक योन ब्योन नाम की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको भी बंद करने के लिए तैयार है, बशर्त है कि यूएसए जो हैं उसको मैच करने वाले इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले, वे सारे स्टेप्स ले जो नॉर्थ कोरिया चाहता है. तो अगर यूएसए जो हैं उसको फॉलो करेगा तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ऐसा ये एक पॉजिटिव मैसेज आया है इस मीटिंग में से. दूसरी जो चीज़ है वो लोग शुरुआत करने वाले हैं एक साउथ ईस्टर्न नॉर्थ कोरिया का जो पार्ट है वहाँ पर एक फैसिलिटी खोलेंगे, एक जगह खोलेंगे जहाँ पर आकर दोनों देशों के जो बिछड़े हुए परिवार हैं वो एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे. तो अगेन ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के कंटेक्स्ट में दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है. ध्यान रखें कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट ऐसी चीज़ होती है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर दो देशों के बीच में झगड़े होना मुश्किल हो जाता है, और अगर झगड़ों को सॉर्ट आउट करना है तो भी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो बहुत काम आता है और एक बेस भी माना जाता है कि अगर दो देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे, यानी कि आपसी जो लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं, तब आप यू नो इस रिलेशनशिप को जहाँ तक चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं, जितनी हाइट तक चाहे वहाँ तक ले जा सकते हैं. इसके बाद मिस्टर किम ने यह भी प्रोमिस किया कि वो आने वाले टाइम में सियोल यानी कि साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वहाँ पर भी आएंगे, और ये पहली ऐसी मुलाकात या फिर पहली ऐसी यात्रा होगी किसी नॉर्थ कोरियन लीडर की 1953 के बाद. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि यूएसए ने भी ये जो प्रपोजल आया है नॉर्थ कोरिया से तो उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया है और कहा है कि हाँ यूएसए रेडी है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए. तो इट्स ए गुड न्यूज़ कमिंग फ्रॉम दिस कोरियन पेनिनसुला. अगर आप एक टाइम से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा यू नो टॉपिक है. इसके ऊपर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा जो ईस्टर्न जो पूर्वी एशिया का भाग है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट प्रिंट होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत रहा है, 2018 में बहुत रहा है, 2017 में ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है ये एरिया. तो इसके ऊपर आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछे, 38 पैरेलल कहाँ पर हैं, या फिर आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो कोरियन पेनिनसुला है ये कौन से तीन अलग अलग समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, तो एक जापान सी है. तो चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, पहला प्रश्न है शायद, तो बताइए ये वाला जो पानी है इसका नाम क्या है और दिस वन इसका नाम क्या है, तो ये आपका प्रश्न है. तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड. और दैट्स एवरीथिंग. मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है. अब इस टॉपिक के ऊपर बेसिक चीज़ों से लेकर बेसिक जो होता है इसका यू नो बैकग्राउंड से लेकर फिलहाल जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में आपको एक अच्छी समझ आ गई होगी. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे जो पेनड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं उनके ऊपर फिलहाल अप टू 50% डिस्काउंट अवेलेबल है. ये 23 सितंबर तक ही वैलिड होगा, और आज के लेक्चर की PDF आप मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से डाउनलोड कर पाएंगे. ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये भी एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, राइट ड्यूटी टू डिफेंड. ये एक रेवारी का जो एक रेप केस सामने आया है, तो वकीलों ने यह तय किया है कि कोई भी व्यक्ति जो आरोपी हैं उनका केस नहीं लड़ेंगे. सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि उनके जो कोड्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनके खिलाफ ये चीज़ है. आपका इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो डॉक्टर ये नहीं कहेंगे कि भाई आप शराब पीते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, या फिर आप हेल्थी खाना नहीं खाते तो आपकी ट्रीटमेंट. ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो
कुछ प्रोफेशंस के लोग जो होते हैं वो नहीं रख सकते, जैसे कि वकील हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, दूसरे भी होंगे शायद, क्योंकि आपका जो मेन कर्तव्य है वो ये है कि अगर किसी मुस्लिम को गोली लगी है या किसी हीरो को, इट डजंट मैटर, डॉक्टर को तो उनका इलाज करना ही पड़ता है. तो इन द सेम वे अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप हैं और आप कहते हैं कि आप उनका केस नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है, इजंट इट पॉसिबल, 1% या 0.1% क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनके ऊपर गलत आरोप भी हो सकता है? ऑफकोर्स राइट, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इन द सेंस ये लॉ की जो फील्ड है या फिर क्रिमिनल जो फील्ड है, यू नो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें कुछ भी हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी. हम ये सारे जो फिल्म्स देखते हैं उसमें ये थ्रिलर सबसे ज़्यादा अगर आपको पसंद हो तो यू नो ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और बाद में पता चलता है कि ये सोचा था और ये हुआ. तो दिस इंडिकेट्स कि इसमें आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इसके ऊपर इल्ज़ाम है तो यही है, जब तक कोर्ट में ये प्रूव ना हो जाए कि ये ही व्यक्ति हैं या फिर ये सारे लोगों ने मिलकर ये काम किया था, तब तक वो लोग भी उतने ही निर्दोष हैं. शायद समझने में बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है, ऐसे भी प्रश्न उठ सकते हैं कि भाई हमारे परिवार या फिर हमारे पहचान वाले लोगों के साथ ऐसा हुआ होता तो कुछ अलग, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि सज़ा उनकी माफ़ की जाए, नो, लेकिन केस तो लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई उनको रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा तो ये केस भी आगे नहीं बढ़ेगा. तो इंसाफ लेने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा. ये हमने देख लिया. अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में. आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है, वरना ज़्यादातर मेरा ये ओपिनियन है कि यस नो और इट्स कॉम्प्लिकेटेड में चीज़ें जो आती हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिकल होती हैं और दूसरे भी टॉपिक्स के ऊपर होती है. तो यस नो एंड कॉम्प्लिकेटेड तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर छोड़ता है, पता ही नहीं चलता कि सही क्या है, मीन्स किसके साथ जाएं, हाँ में, ना में, या फिर ये जो बीच का रास्ता है उसके ऊपर बैठे रहें. तो आज नीति आयोग के ऊपर इम्पोर्टेंट एक हैं, तो अच्छा है मैंने पढ़ा और आपके लिए मैंने इसका विस्तार से एनालिसिस करके आपके लिए रखा है. तो देखिए नीति आयोग जो हैं इसका, इसको फॉर्म इसलिए किया गया था ताकि नए नए फ्रेश आइडियाज़ जो हैं वो गवर्नमेंट को मिलते रहें. नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी संस्था जो सोचेगी, नए नए आइडियाज़ लेकर आएगी और इन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो फिर गवर्नमेंट का बन जाता है. वी नो दैट राइट. अब नीति आयोग के जो यस सेयर हैं उनका कहना है कि नीति आयोग जो हैं क्या ये रेलेवेंट हैं आज के ज़माने में. तो यस कहने वाला जो पोर्शन है उसमें कहा गया है कि ब्रेन स्टॉमिंग, यानी कि यू नो लोग आते हैं, मिलते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपनी अपनी यू नो इमेजिनेशन के ऊपर कि भाई ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी, इसे ब्रेन स्टॉमिंग कहते हैं और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज से बहुत नए नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, एक दूसरे को यू नो आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं और ट्रिगर मिलता है कि भाई नए आइडियाज़ मिले, तो क्रिएटिविटी के लिए ये एक बहुत. तो ऐसे सेशंस नीति आयोग के होते हैं, इसमें एग्जांपल दिए हैं जैसे कि आयुष्मान भारत हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया. तो ये सारे जो बड़े बड़े आप नाम सुन रहे हैं ये सारे नीति आयोग के प्रोडक्ट्स हैं. नीति आयोग एक एक्शन टैंक भी हैं, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आइडियाज ही थिंक टैंक ही हैं, एक्शन को भी इम्प्लीमेंट करने के ऊपर भी जोर देता है नीति आयोग. नीति आयोग का रोल एक चेंज एजेंट का है. कई बार ये होता है कि जो चीज़ हम बहुत लंबे टाइम से करते रहते हैं तो उसमें हमें कोई बदलाव देखना, हमारी वो दृष्टि जो है वो चली जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो रूम है वो जो कोई भी कंडीशन में क्यों ना हो, बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो वो जज कर पाएंगे कि अच्छी कंडीशन में है या बुरी है या फिर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने यूज टू हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता. सेम थिंग हैपन कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी यूज टू हो जाती है जो भी चीज़ें चल रही है. तो एक नीति आयोग एक नए न्यू यू नो एजेंट, एक चेंज एजेंट के बदलाव को लेकर आने वाला एक आयोग के तौर पर काम कर रहा है और कर भी सकता है. इसके साथ साथ ये कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है. तो सिलोस यानी कि अकेले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ अलग एरिया में है, पता चला कि सारे लोग जो हैं वो एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रास्ते से आते हैं. तो इट इज़ बेटर कि एक ही रास्तों पर इनको लेकर यू नो चले ताकि जो चीज़ें हमें अचीव करनी है वो अच्छी तरीके से कर सके. तो इस चीज़ में भी नीति आयोग जो है वो काफ़ी रोल प्ले कर रहा है. और जो प्लानिंग कमीशन था, जो 5 ईयर के हमारे प्लान थे पहले, तो उसमें ये पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय जो प्लान्स हमारे हुआ करते थे, तो
टोटल 12 प्लान्स आए राइट. नीति आयोग के आने के बाद जो लास्ट प्लान था वो ख़त्म हो गया, और मीन्स जब उसकी टेन्योर ख़त्म हुई तब से वो ख़त्म हो गया. नाउ इट्स आउटडेटेड थिंग. तो ये जो पांच जो पंचवर्षीय योजना थी या फिर फाइव ईयर प्लान जो थे, तो उसमें यह था कि प्लान सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें प्लान ख़त्म होने के लंबे टाइम के बाद उसका एनालिसिस किया जाता था. तो अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन नीति आयोग जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी लेकर आया है. फिर ये डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिस भी इन्होंने शुरुआत की है, जिससे कि अलग अलग मिनिस्ट्री का जो रियल टाइम डेटा है उनको मिल सके. नीति आयोग स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है दिल्ली में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स में कोई इम्प्लीमेंटेशन करें, कोई आइडियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर चर्चा हो सके, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके. फिर इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, जो स्कूल होती हैं खास करके, तो स्कूल में साइंस की लैब्स और ये सारी चीज़ें अटल इनोवेशन मिशन के तहत, जिसे अटल टिंकरिंग लैब्स कहते हैं, तो कुछ 1500 टिंकरिंग लैब्स फ़िलहाल हमारे देश में हैं, और मार्च 2019 तक 5000 टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने वाले हैं. ये नीति आयोग के द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है. 20 अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी हैं, जिसमें यंगस्टर्स को इनोवेशंस के लिए और स्टार्टअप के लिए इनकरेज किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं नीति आयोग के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. अब नेगेटिव पॉइंट्स की अगर कुछ बात करें तो ये हैं कि कभी भी आप नहीं देखेंगे कि सरकार जो है उसका क्रिटिसिज्म होगा या फिर सरकार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आएंगे. अगर गवर्नमेंट गलत भी है तो भी उनकी प्रशंसा की जाती है. तो एक थिंक टैंक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक डिस्टेंस बनाए रखें, ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए. ऐसा ना हो कि फिर पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए लोगों को ही यहाँ पर प्रमोशन मिल रहा हो. तो फिर इसमें और एक जो पहले चीज़ें थी जो प्लानिंग कमीशन में हमने देखा था, वहाँ की जो हमारी गलतियाँ हैं वो हम इसमें रिपीट नहीं करनी चाहिए. इसको हमें और आगे देश के हित में इसको काम करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल टच इसमें देखने को मिल रहा है, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. और रही बात दूसरी चीज़ों की कि यस नो और इट्स कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड में ये हैं या फिर सही रास्ता ये भी है कि देखिए प्लानिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. प्लानिंग ना करना का मतलब है कि फेल होने का प्लान हमने बना लिया है. तो चाइना के बारे में अगर हम बात करें, फिर एशिया, ये जो साउथ कोरिया के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भाई सबसे फास्ट उन्होंने डेवलपमेंट किया, राइट. बहुत गरीब देश था, इसमें से बहुत पैसे वाला देश बन गया. तो ये चीज़ तब पॉसिबल हुई जब उन्होंने प्लानिंग किया. और जहाँ तक मुझे पता है साउथ कोरिया के बारे में, उनके जो लीडर्स थे वो बहुत बार कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और अच्छे आइडियाज़ कलेक्ट करते थे, उसके बारे में चर्चा होती थी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी उस टाइम पर साउथ कोरिया में, और उसके बाद हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं. तो नीति आयोग को भी ये करना चाहिए, बार बार ये सारी मीटिंग्स जो हैं वो कंडक्ट की जाए, क्योंकि प्लानिंग नहीं करने वाले जो रीजन है, जैसे कि लैटिन अमेरिका और सब सहारन रीजन, तो वहाँ की तरक्की देखिए, और जिन्होंने प्लानिंग की उनकी तरक्की देखिए, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया और ऑल ईस्ट एशियन कंट्रीज, तो इनकी इनके ऊपर नज़र डालें तो डेफिनेटली इस एरिया से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, कर रहा है और करने वाला एक रीजन है ये सब सहारन अफ्रीका और ये लैटिन अमेरिका से साउथ ईस्ट एशिया और ऑल दिस ईस्ट एशिया इज़ परफॉर्मिंग वेल. आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. और जब तक बात करें नीति आयोग के स्ट्रक्चर की, तो ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो ये जनरलिस्ट होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो हैं ये ऊपर तक पहुँचते हैं. तो आज ज़माना है स्पेशलिस्ट का, तो जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर एनवायरमेंट के ऊपर कोई चीज़ें कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को लाइए, ना कि आईएएस को. तो ये चीज़ जो है, ये स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इसको टर्न करना होगा. और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि प्लान्स भी हमें करने पड़ेंगे. मूविंग ऑन टू थर्ड आइटम, आज की जो थर्ड आइटम है ये लिबर्टी के साथ, या फिर ये जो केस चल रहा है, एक्टिविस्ट को नज़र कैद में रखा गया है, हाउस अरेस्ट में रखा गया है, तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो हैं या फिर क्या कोर्ट्स जो हैं वो क्रिमिनल मैटर्स में भी स्टेप इन कर सकती है. दिस इज़ ए क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क. देखिए तीन वर्जन आ रहे हैं. अपना जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, अपना जो स्टैंड है वो रिजर्व रखा है. तो हो सकता है इसमें राइट के जो गवर्नमेंट है वो सही हो, इसमें गवर्नमेंट जो केस चला रही है या फिर महाराष्ट्र पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है
तो सच में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ की हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूरी एक्ट, ये पूरी जो चीज़ है तो उसको साइड में कर देगी, मीन्स उसको इलीगल बता देगी क्योंकि इसमें लोगों ने कोई गलती नहीं की है। या फिर थर्ड चीज़ ऐसी हो सकती है कि भाई इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट टीम इंक्वायरी करें ताकि पता चले कि रियलिटी इसमें क्या है। नाउ द थिंग इज के प्रश्न ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे केसेस में, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आर्टिकल 32 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको एनफोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। यानी कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसका कोई हनन होता है तो हमें डिफेंड करना या फिर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट काम होता है। लेकिन ये जो क्रिमिनल मैटर वाला केस है ये तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है, और अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर पुलिस चाहती है किसी के यू नो प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें, तो फिर इसको नेगेटिवली क्यों ले रही है या फिर ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं ना। एनीवेज ये सारी चीज़ जो है इसके ऊपर आने वाले कुछ ही दिनों में हमें क्लैरिटी मिलेगी, क्या सही है क्या गलत है वो पता चल जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये सारे एंगल्स को ध्यान में रखिएगा, आने वाले टाइम पर ये हमारे बेस के तौर पर काम करेंगे जब हम इसको आगे ले जाएंगे या फिर नए आर्टिकल्स हमें जब इसके बारे में पढ़ने को मिलेंगे तब। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ये भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ एक न्यूज़ है। पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की थी या फिर एक प्रपोजल दिया था कि भारत उनसे मुलाकात करे, तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, और ध्यान रहे यूएन की जो जनरल असेंबली है ये सितंबर में ही कंडक्ट की जाती है हर साल, क्योंकि फिर न्यूयॉर्क में एक मौसम भी सही रहता है और ट्रेडिशन है और दूसरी भी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क में जब ये मीटिंग होगी तो उसके साइड में यूनाइटेड नेशन की जब मीटिंग होती है या फिर जनरल असेंबली होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल असेंबली अटेंड करके लोग आ गए, बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय वार्तालाप भी किए जाते हैं। तो इंडिया ने कहा है कि हाँ, पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया ने अपना जो स्टैंड है वो बरकरार रखा है कि बातें करनी है तो टेररिज्म जो है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको बंद कीजिए, हमारे ऊपर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो फिर हम आपके साथ बात भी नहीं करेंगे, और बात ना करने का मतलब है कि किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर भी एक पूरी टाइमलाइन है 2015 में क्या हुआ, और बाद में प्रधानमंत्री साहब वहाँ पर गए भी पाकिस्तान, और थोड़े दिनों बाद ही एक हफ्ते के बाद पठानकोट अटैक होता है, उसके बाद से रिलेशनशिप काफ़ी बर्बाद हो जाता है, उड़ी अटैक हैं और सार्क की मीटिंग कैंसिल होती है। तो अब नए एक वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो एक नई एक चेंज एजेंट के जो छवि है उनकी, तो देखते हैं कि ये क्या एक इल्यूजन है राइट, या फिर रियलिटी में भी ये चीज़ हो सकती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो सकती है, अगर दोनों देश के लीडर या फिर दोनों देश का जो पॉलिटिक्स है और दोनों देश की आवाम जो है, जनता जो है, अगर ये चाहती है तो फिर ये हो सकता है। सेम थिंग यू नो, जब हमने कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बात की तो एक पॉसिबिलिटी है, तो इसमें भी हो सकती है। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक डे को मनाएगी या फिर मनाना चाहिए, मनाइए, ऐसा यूजीसी ने कहा है एक पत्र लिखकर हमारे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर को। तो ये कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, यू नो, फोर्सफुल नेशनलिज्म को थोपने की बात आ रही है यहाँ पर, पता नहीं है, मीन्स अगर आप मुझे पर्सनली पूछे तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, इससे अच्छा है कि हम स्टूडेंट्स को यू नो एजुकेट करें, वो डिसाइड करें क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें उनके ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं थोपनी नहीं चाहिए, हमें उनको सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराना चाहिए, बाद में डिसीजन जो है वो खुद वो ले सकते हैं। फोगटन स्विच, एक फ़्लाइट में इंसिडेंट हुआ कि फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और उसके बाद उसका प्रेशर केबिन का जो होता है वो ड्रॉप डाउन हुआ, और पता चला जो ये पायलट हैं वो एक स्विच ऑन करना भूल गया जिससे प्रेशर केबिन का मेंटेन होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू एंड कश्मीर को और यूपीएससी को टाइम दिया है 4 हफ्तों का कि 1 महीने के अंदर आप जो DGP वाला इश्यू है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। अभी फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर के एक्टिंग DGP हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया है ताकि वो CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट बने। अब यहाँ पर देखिए, कासगार जो रीजन है और ग्वादर, कासगार सिटी को इसके साथ जोड़ने वाला ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न चाइना ने इसको डेवलप किया क्योंकि उनकी ऑयल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सारा तेल, कुछ टाइम पहले मैंने आपको इसके बारे में प्रश्न पूछा था ये जगह के बारे में, तो ईरान
यहाँ पर हैं, इराक हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सारे तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं, तो उनका सारा तेल इसी एरिया में से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। तो सबसे बेस्ट है चाइना की ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए कि यहाँ पूरा घूमकर इंडिया तक आना पड़े और यहाँ से घूमकर साउथ चाइना सी तक जाकर फिर यहाँ जाना पड़े, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से शिप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए और यहाँ से सिर्फ माल जो है वो यहाँ तक पहुँचाया जाए। तो ये एक इसकी स्ट्रेटजी है। अब सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया है, तो आप देखिए कैसे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं तो ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री के साथ जुड़ता रहा है, और यहाँ पर बीच में आप कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन प्रोवाइड करने वाला कंट्री भी है जो है पाकिस्तान। मूविंग ऑन, ये एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड, पता नहीं आपने ये चीज़ देखी हो, मैंने तो पहली बार ये देखी, एंड आई मस्ट से कि जिसने भी इस चीज़ को बनाई है ब्यूटीफुल है। एक इको फ्रेंडली डस्टबिन है, आप देखिए एक छोटे से बाम्बू के पाइप, बाम्बू का जो ये पाइप जैसा होता है तो उसके ऊपर इसको लगाई है, तो इको फ्रेंडली, ये आसाम से ये तस्वीर आ रही है, और इट्स अ गुड थिंग कि वहाँ पर इको फ्रेंडली डस्टबिन भी यूज़ की जाती है और ये चीप है, इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हर जगह पर अगर डस्टबिन ईजिली अवेलेबल हैं तो फिर कचरा जो है रोड पर नहीं फेंका जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। नियरली 1 लाख विंग्ड विजिटर, यानी कि जो उड़कर आने वाले जो पक्षी हैं, तो बंगाल की हमारी एक सेंचुरी है, इसका नाम है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये सबसे फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ओपन बिल नाम का, स्टॉक नाम का एक बर्ड है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो लाखों की तादाद में यहाँ पर ये पहुँचते हैं। इसके बाद नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री, इसका उद्घाटन किया हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, और इसके उद्घाटन से हम 9th ऐसे देश बन गए दुनिया के जो सेक्सुअल ऑफेंडर्स का के नाम, यू नो, उनका एड्रेस, उनके DNA, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करेंगे ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके, इसके ऊपर स्टडी की जा सके। फाइनेंशियल वर्ल्ड से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, पहली ये है कि CBI के जो चीफ हैं और उसके बाद उनके जो डिप्यूटी हैं, तो इन दोनों के बीच में जो तकरार चल रहा है, तो अब CVC इसके ऊपर इस कंप्लेन को देखने वाली है, माना जा रहा है कि कोई फॉल क्लेम यहाँ पर चल रही है। फिर स्मॉल जो स्कीम होती है, स्मॉल सेविंग्स, तो उसके ऊपर रेट्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं 30 basis points, यानी कि 0.3% इसमें इंक्रीज़ किया गया है, और जो 5 साल से ज़्यादा के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपने ये किसान का एक कार्ड है, फिर ये बेटी वाली योजना जो है, जो आप अपनी बेटियों के लिए यू कैन कीप मनी, और जब वो 18 साल की होगी, सुकन्या योजना और समथिंग, अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो स्कीम है उसमें पहले आपको उसमें 5 ईयर्स से ज़्यादा वाले जो है पीरियड उसमें 40 basis points, यानी कि 0.40% अब ज़्यादा मिलेंगे, तो कुछ 7.6 अगर मिल रहा था पहले आपको, तो अब 8% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो ये एक चीज़ की है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर आप देखिए आउट ऑफ स्कूल का एक आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसी के साथ मैन बुकर प्राइस जो बुक लिखने वाले ऑथर्स को दी जाती है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में 16 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन फाइनलिस्ट जो हैं वो चूज़ कर लिए गए हैं। ये गुजरात है ऑफ कोर्स, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर दीव एंड दमन है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दादर और नगर हवेली देखने को मिलते हैं। तो यूनियन टेरिटरी है, पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इसके साथ 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भी गुजरात से गुजरती है, ये हमारे देश का सबसे वेस्टर्न पोर्शन है। और आज का आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और प्रेसिडेंट साहब ने यूरोप की यात्रा की, तो प्रेसिडेंट साहब किन किन देशों में गए और वाइस प्रेसिडेंट साहब किन किन देशों में गए, ये आपको बताना है फ्रॉम दिस मैप हियर। और ये रहे आपके आंसर्स, ये रहे आपके 2 प्रश्न, और एक आपका ये प्रश्न है जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के, ट्रेड वॉर्स चल रहे हैं तो फिर क्या भारत के पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान या फिर अपनी तरक्की जो है वो भारत करता रहे ये सारे ग्लोबल वॉर के टाइम पर भी। सो दैट्स एवरीथिंग डियर फ्रेंड्स इन टुडेज डिस्कशन, कल फिर से मुलाकात होगी, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।